तो गाइस प्रभास को यहाँ पे जो है डार्लिंग प्रभास क्यों कहते हैं, वो आप लोग प्रभास की आने वाली पिक्चर राजा साहब को देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे। लिटरली गाइस प्रभास की जो आने वाली फिल्म है राजा साहब, उसका यहाँ पे कल एक टीजर आने वाला है या फिर ग्लिम्प्स कह सकते हैं आप लोग यहाँ पे, कि वो आप लोग को यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। फाइनली जो मेकर्स है उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी है एक बड़े सारे पोस्टर के साथ, जिसके अंदर अपने को यहाँ पे जो है राजा साहब का एक काइंड ऑफ साइड फेस लुक जो होता है वो अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, वैसे तो सभी लोगों ने यहाँ पे जो राजा साहब का लुक होता है वो यहाँ पे देख रखा है, बिकॉज उनका एक पहले भी पोस्टर आया था जिसके अंदर वो यहाँ पे जो है लुंगी में, आई थिंक लुंगी थी, उसके अंदर यहाँ पे जो चलते हुए आ रहे थे, पीछे एक वाइब्रेंट सा बैकग्राउंड जो होता है वो अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा था। लेकिन इस वाले पोस्टर के अंदर यहाँ पे जो है कुछ अच्छा ही लुक जो होता है वो अपने को देखने को मिल रहा है। लेफ्ट साइड में एक गाड़ी खड़ी हुई है व्हाइट कलर की, एंड सामने यहाँ पे जो है बड़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, एंड बीच में यहाँ पे जो है प्रभास ने एक बढ़िया सा कोट वोट ब्लेजर डाल रखा है, एंड उनका यहाँ पे जो है चश्मे के अंदर, मतलब आप लोग यहाँ पे देखने जो गाड़ी का जो शीशा है ना उसका यहाँ पे जो है कमाल का, उसके अंदर यहाँ पे कमाल का लुक लग रहा है, जिसमें उन्होंने चश्मा पहन रखा है जो काफी जरा कमाल का लग रहा है। ठीक है, उसी के साथ आप लोगों को बताया मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने यहाँ पे जो है या तो बिल्कुल ही छोटे बालों में देखा है प्रभास को, या तो फिर बिल्कुल ही बड़े बालों में देखा है प्रभास को, लेकिन इसके अंदर अपने को यहाँ पे एक बीच का लुक जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि प्रभास को बाकी फिल्मों से यहाँ पे जो है काफी डिफरेंट बनाता है। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई यहाँ पे जो है पोस्टर के बारे में, कल जो ग्लिम्स आने वाला है 5:03 में उसके बारे में। ठीक है, लेकिन यार क्या ये मूवी चलेगी, बिकॉज देखो अब प्रभास यहाँ पे जो है बैक टू बैक एक्शन फिल्म कर रहे हैं, सभी लोगों को पसंद आ रही है, इवन तो हर एक बंदा यहाँ पे जो लाइक कर रहा है प्रभास को एक्शन अवतार के अंदर, लेकिन अब ये मूवी जो होती है ना, ये मूवी भाई एक्शन मूवी है ही नहीं, ये मूवी यहाँ पे जो है हॉरर है, ये मूवी यहाँ पे जो है कॉमेडी है, ये मूवी यहाँ पे जो है अगर हॉरर कॉमेडी एंटरटेनर यहाँ पे होगी तो फिर यहाँ पे कैसे काम चलेगा, क्या लोग यहाँ पे जो है प्रभास को एक्सेप्ट करेंगे, ये सोचने वाली बात है। बिकॉज देखो क्या सीन है ना, कि देखो एक बार यहाँ पे जो है किसी भी एक्टर की एक छवि जो होती है, एक उनका एक कैरेक्टर जो होता है वो बन जाता है लोगों के दिमाग में, तो लोग फिर यहाँ पे जो उनके हिसाब से उस मूवी को देखना पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो मूवी आएगी ये एक हॉरर मूवी होगी, ये कॉमेडी मूवी यहाँ पे होगी, क्या यहाँ पे उतना इंपैक्ट डाल पाएगी, क्योंकि देखो ये सीन चलता है ना कि अगर कोई बंदा यहाँ पे जो है 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ की ऐसे ऐसे मूवी यहाँ पे जो एक बार पटने की ट्राई करता है ना, फिर यहाँ पे जो अचानक से उसको 400 करोड़ की मूवी मिल गई, तो फिर इसको लोग यहाँ पे जो है क्या सोचते हैं कि मूवी फ्लॉप हो गई इसकी, एंड फ्लॉप के साथ साथ क्या सोचेंगे कि लाइक अब वापस से यहाँ पे जो है प्रभास का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो प्रभास को इस तरह की मूवी को अभी लाना जरूरी था कि नहीं, ये एक सोचने वाली बात थी, बिकॉज देखो अभी उनके लाइनअप में काफी अच्छी अच्छी मूवीज पड़ी हुई है। ठीक है, अभी उनके लाइनअप के अंदर यहाँ पे जो है सलार 2 आने वाली है, कल्कि 2 यहाँ पे जो है आने वाली है, उसके साथ एक बड़ी एक्शन मेगा फिल्म जो होती है फौजी, वो अपने को यहाँ पे जो है देखने को मिलने वाली, तो इसी बीच में यहाँ पे जो है राजा साहब को डालना कैसा होगा वो सोचने वाली बात है। ठीक है, लेकिन अब देखो कल यहाँ पे जो उनका ग्लिम्स आएगा, जिससे अपने को एक आइडिया हो जाएगा कि यार ये मूवी यहाँ पे जो है किसके ऊपर बेस है, एटलीस्ट आई नो कॉमेडी है, फन अवतार है प्रभास का, वो सभी लोगों को देखना पसंद एटलीस्ट आएगा एक दो बार। ठीक है, लेकिन ये क्या उतना इंपैक्ट डाल पाएगी जितना यहाँ पे जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर बाकी सारी पिक्चर जो होती है प्रभास की वो यहाँ पे डाल पा रही है, ये डेफिनेटली यहाँ पे जो है सोचने वाली बात है। उसी के साथ आप लोगों को पता है इस मूवी के अंदर यहाँ पे जो है एक दो नहीं बल्कि दोस्तों 3-4 एक्ट्रेसेस है भाई, भर भर के एक्ट्रेसेस जो होती है वो अपने को यहाँ पे देखने को मिली है। पता है लोग यहाँ पे जो है उस पर विश्वास क्यों कर रहे हैं, विश्वास इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं बिकॉज ये मारुति की पिक्चर है भाई, मारुति डायरेक्टर यहाँ पे जो है पहले से ही बहुत औसम है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे जो है प्रभास को राजा साहब के लिए चूज किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है कुछ सोच समझ के ही यहाँ पे चूज किया होगा। बाकी जो क्लेरिफिकेशन है वो कल आप लोग को यहाँ पे जो है 5:03 पे मिल जाएगी कि राजा साहब यहाँ पे जो है कैसी मूवी है, उसके ग्लिम्स से आप लोग को पता पड़ जाएगा, और क्या ये मूवी यहाँ पे जो है उतनी इंपैक्ट करेगी जितनी बाकी सारी जो मूवीज है प्रभास की वो यहाँ पे करती है, वो कल अपने को यहाँ पे जो है पता चल ही जाएगा। बट हाँ, लोगों के बारे में हिटर्स यहाँ पे जो है स्टार्ट हो चुके हैं फ्लॉप फ्लॉप करना, बट कल होपफुली एक अच्छा टीजर एक अच्छा ग्लिम्स सभी हिटर्स का मुंह बंद कर सकता है। गाइस कल यहाँ पे जो है क्या होता है जो भी होगा मैं आप लोगों को जरूर उसके बारे में अपडेट दूंगा, तो प्लीज मेक श्योर फटाफट जाओ, फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो।